25 दिन के बाद घर लौटे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोडी, आखिरकार बताया कि कहां गायब थे इतने दिन, किए शॉकिंग खुलासे। 25 दिन से जिनकी तलाश हो रही थी वो गुरचरण सिंह आखिर मिल गए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी का किरदार निभाकर घर घर फेमस हुए ये एक्टर लापता थे। पिता भी परेशान थे, पुलिस में FIR तक हो गई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी थी। इतना ही नहीं, किडनैपिंग का भी केस आया था, मगर एक्टर अपनी ही दुनिया में थे। उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर वो इतने दिनों से कहां और क्या कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरचरण सिंह खुद ही घर लौट आए हैं। उनके आने के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिस दौरान एक्टर ने खुलासा किया कि वो धार्मिक यात्रा पर गए थे, वो दुनियादारी छोड़कर घर से चले गए थे। इन 25 दिनों में वो कभी अमृतसर तो कभी लुधियाना में थे। उनके मुताबिक वो कई शहरों के गुरुद्वारे में ठहरे थे। उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ कि अब उनको घर लौट जाना चाहिए तो वो आ गए। आपको बता दें कि गुरचरण सिंह 22 अप्रैल को दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन 26 अप्रैल को पता चला कि वो तो शहर पहुंचे ही नहीं। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर तो देखा गया था, लेकिन उसके बाद वो कहां गए किसी ने नहीं देखा, जिसके बाद पालम थाने में उनके पिता ने गुमशुदगी की रपट लिखाई थी। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाला, जिसमें आए दिन नए नए सुराग मिल रहे थे, लेकिन एक्टर का कुछ पता नहीं चला। खबरें ये भी आई थी कि गुरचरण सिंह जल्द शादी करने वाले हैं और वो फिलहाल आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान अपने बैंक से कई सारे ट्रांजैक्शन भी किए थे, ATM से पैसे भी निकाले थे। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी, लेकिन सोडी का कहीं पता नहीं चला। मगर अब सोडी 25 दिन बाद अपने घर लौट आए हैं, मगर राहत की खबर ये है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और TV से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।